कोरोना वायरस संक्रमण के चलते धार्मिक स्थलों को आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया था। अब अनलॉक वन में सोमवार से मंदिर मस्जिदों को आम लोगों के लिए खोला जाना है, जिसको लेकर रामनगरी अयोध्या में तैयारियां जोरों पर हैं। मंदिरों में सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए तैयारियां की जा रही हैं। आपको बता दें कि 8 जून सोमवार से देश के सभी धर्म स्थल खुल जाएंगे। धर्म स्थल खोलने को लेकर अयोध्या के संतों महंतों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। संतों महंतों ने मंदिरों की साफ सफाई और श्रद्धालुओं के दर्शन को लेकर शासन से पर्याप्त दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। मंदिर प्रशासन के श्रद्धालुओं के लिए गाइडलाइन तय की गई है, जिसमें सामाजिक दूरी, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। यही नहीं, श्रद्धालुओं को अपने बेल्ट और पर्स को बाहर ही रखकर मंदिर में प्रवेश करना होगा। सभी श्रद्धालुओं के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना भी अनिवार्य होगा। नाका हनुमानगढ़ी के महंत रामदास ने बताया कि मंदिर में केवल एक साथ 5 श्रद्धालुओं को ही प्रवेश मिलेगा। इससे पूर्व वो मंदिर के गेट पर रखे सैनिटाइजर से खुद को सैनिटाइज करेंगे, इसके बाद ही मंदिर में प्रवेश मिलेगा। इस दौरान उनके चेहरे पर मास्क अनिवार्य होगा। मंदिर से 8 तारीख से मंदिर खुलने का ये सरकार के द्वारा गाइडलाइन आया है, जिस परिप्रेक्ष्य में हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए भक्तों का दर्शन पूजन कराने की व्यवस्था सुनिश्चित किया जा रहा है। गोले बनाए जा रहे हैं एवं जो भक्त दर्शन पूजन करने के लिए आएंगे वो सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे, उनकी सैनिटाइज की व्यवस्था होगी और मास्क लगाए रहेंगे और प्रसाद नहीं चढ़ा पाएंगे, मंदिर से उनको प्रसाद नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कोरोना वैश्विक महामारी है और अगर किसी कारणवश कोई भी व्यक्ति अगर उस संक्रमण में आ जाएगा तो 15 से 20 दिन मंदिर को बंद करना पड़ेगा। इसके नाते अथक प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, भक्त दर्शन और पूजन करें। धर्मनगरी अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं को संक्रमण से बचाने के लिए नगर निगम पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं दूसरी तरफ सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी में साफ सफाई के साथ साथ सामाजिक दूरी बनाने के लिए सीढ़ियों पर गोले बनाए जा रहे हैं, जिसमें श्रद्धालुओं को खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार करना होगा। दर्शन के दौरान श्रद्धालुओं में शासन के निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित कराया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए अयोध्या से संजीव आजाद की रिपोर्ट।